हिमाचल में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के संभावित बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषीष पांडा की सभी सीएमओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में प्रधान सचिव ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएमओ को निर्देश दिया गया कि रैपिड टेस्टिंग से अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर वर्किंग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी के जरिए सैलानियों और स्थानीय लोगों के कोरोना सैंपल लिए जाएं। रिपोर्ट्स आई है कि पूरे विश्व में आज के दिन दिसंबर के महीने में एक सर्ज हुआ है कोविड-19 का, और विशेषकर ये चाइना, यूरोप, अमेरिकास में देखने को मिल रहा है। करीब 11 मिलियन की रिपोर्टेड है केसेस। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले दो दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि हालांकि पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में प्रति दिन 3,000 से कम केसेस आते हैं, उसके बावजूद ये कहा गया कि हमें ज़रूरी है निरीक्षण करना और एक मॉनिटर करना कि हमारे कौन से कोविड वेरिएंट आज के दिन चल रहे हैं। तो जैसे हमें पता है, एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग का एक प्रावधान भारत सरकार ने की है इंसाकॉग के माध्यम से, और लैब्स क्रिएट हुए हैं जहां पे इस टाइप का टेस्टिंग की जा सकती है, जिससे पता चलता है कि जो कोविड हुई है वो कौन सा वेरिएंट है। तो भारत सरकार ने आग्रह सभी स्टेट से किया हुआ है कि आप अपनी टेस्टिंग इस प्रकार के लिए बढ़ाएं और सैंपल्स भेजें भारत सरकार को, ताकि वो टेस्ट करें और चेक करें कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। जो मीडिया से ही पता चलता है कि दूसरे देशों में जो आजकल जो चला हुआ है वो BF7 का है। मैं ये बताना चाहूँगा अब हिमाचल की परिस्थिति क्या है। हिमाचल में आज के दिन पिछले एक महीने से अगर हम देखें, तकरीबन 20 के आसपास ही हमारा पॉजिटिव केसेस रहता है प्रतिदिन के। कभी घट भी जाता है, 11-12 भी हो गया था एक दो दिन बीच में, लेकिन 20 के एवरेज में चलता है। और हमारा एडमिशन्स हॉस्पिटल में 5 या 6 उससे कम रहता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के अंदर। और हमारा पॉजिटिविटी रेट भी जो है पिछले एक महीने के अंदर 1 से कम रहा है। जो हमारे पड़ोसी राज्य में भी हम चेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मूव करके आएगा, तो पड़ोसी राज्यों में भी 1 से कम है, तो हमारा उनके बराबर ही है। तो परिस्थिति इस वक्त अलार्मिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखा हुआ है पीछे भी, जब से कोविड शुरू हुई 2020 से, तकरीबन 1-1.5 महीने का अंतर में भारतवर्ष में आता है। पहले विश्व में दूसरी जगह फैलता है और वहां से फिर भारतवर्ष के अंदर आता है, और भारतवर्ष के अंदर भी 15 दिन से लेके 1 महीने के अंतर में फिर हिमाचल में शुरू होता है वो वेव। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एक मीटिंग करी सभी सीएमओ से, के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। हमारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2-4 चीज़ें हमने जो चर्चा की है वो इस प्रकार से हमने स्टेप्स लेने हैं। एक तो आम जनमानस का आग्रह करना है कि तो दोबारा से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और मास्क अगर पहनेंगे तो सेफ रहेंगे। दी क्वेश्चन इज व्हाई टेक चांसेस, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात है कि हमारे टेस्टिंग को बढ़ाएं, ताकि हम जान पाएं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे और भी केसेस हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बड़े ही माइल्ड केसेस हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है नहीं, खांसी जुकाम होता है, सबको हो रहा है खांसी जुकाम। वो एक वायरल खांसी जुकाम जो आमतौर पे सीजनल चेंज है वो अलग बात है, लेकिन कोविड अलग है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इसलिए आज हमने चर्चा की और सभी से यही आग्रह किया है, सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ हमारी टेस्टिंग होती है कि वो टेस्ट बढ़ाएं। तीसरी बात, हम रैट टेस्टिंग जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे थे उससे मूव करके हम आरटीपीसीआर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आरटीपीसीआर में हमें जो सीटी वैल्यू है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है, उसी से पता चलेगा जब हम रैट ना करके हम आरटीपीसीआर करेंगे। बेसिकली सीटी वैल्यू है कि कितने साइकिल्स के बाद हमें टेस्ट में पता चलता है कि इसमें वायरस है कि नहीं। जितने ज़्यादा साइकिल्स होंगे इसका मतलब उतना कम वायरस है, इसलिए हमें बार बार रन करना पड़ता है टू टेस्ट वेदर पर्सन इज पॉजिटिव।
तो इसलिए हमने आग्रह किया सभी इंस्टीट्यूशन से कि वो अब आरटीपीसीआर को बढ़ाएंगे। दूर दराज एरिया जहाँ से आरटीपीसीआर छूट जाती है, तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया है कि हम एचआरटीसी या दूसरे प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हम सैंपल्स को लाएंगे और हमारे आरटीपीसीआर सेंटर्स में उसका टेस्टिंग कराएंगे। तीसरा हम कह रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमने बताया आपको। तीसरा हम कह रहे हैं इनको जो वैक्सीनेशन वाली बात है, शुरू में जब कोविड चल रहा था कोई 3-4 महीने पहले, लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और आ रहे थे आगे कि हम अपना प्रिकॉशनरी डोज, जिसने मेन डोज नहीं ली है तो वो डोज लेने आ रहे थे और प्रिकॉशनरी के लिए काफ़ी लोग आगे बढ़कर आ रहे थे। लेकिन समय के साथ जैसे ही कोविड नीचे चला गया है, लोगों को लगा कि शायद अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो प्रिकॉशनरी डोज लेना छोड़ दिए हैं। तो अब आग्रह करेंगे हम आईसी के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों के माध्यम से आज लोगों को कहना चाहेंगे कि बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिकॉशनरी डोज ले लें। कई बार ये बात आती है कि शायद जो नया कोविड वेरिएंट्स आते हैं वो बाईपास कर जाते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अभी इस प्रकार की आवश्यकता आई ही नहीं है। भारत सरकार ने भी जो मार्गदर्शन हमें दी है वो केवल जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कहा है। कोई पाबंदी लगाना, कोई फोर्स टेस्टिंग करना, इसकी आवश्यकता अभी बिल्कुल नहीं आई है। तो उस प्रकार से कदम अभी कोई नहीं उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वेव के दौरान भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था उस समय भी कि हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, लेकिन हम टेस्टिंग उस समय हमने बढ़ाई थी और हमने जो ट्रीटमेंट करने के लिए अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करी थी। तो उस स्थिति में आज भी हम तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है टू टेक केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स। कोविड सेंटर्स हमने एक्टिवेट करके रखे हैं, तैयारी है वहाँ पे, ड्राई रन हम करके रख रहे हैं। आज वही चर्चा हुई थी सभी सीएमओस वगैरह के साथ कि हम अपना सेंटर्स को एक्टिवेट करके रखेंगे, अब अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यूज होगी। फीडबैक क्या मिला सर? 100% है, और क्योंकि हमने बहुत सारे लर्निंग्स हमने हासिल किए पिछले वेव्स में, तो जो कमियां गैप्स थी उसको भी पूरा करने की तैयारी हो रखी है ऑलरेडी, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम। बट मैं साथ में यही कहना चाह रहा हूँ, कोई अलार्म हम फैलाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि लोग डरना शुरू कर दे, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं, ये दो चीज़ें मैं आग्रह करना चाहूँगा। पिछले एक महीने से हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एक्टिव है पर डे 20 से ज़्यादा नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा कि कभी उससे कम भी काफ़ी रहे हैं, इसका मतलब है कि इट इज़ ऑन द डाउन, बट इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ ऑन द आउट, ख़त्म नहीं हुआ है कोविड, अभी भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेज में है, कहीं ना कहीं फैल रहा है। तो हमें ज़रूरी है कि क्योंकि अभी ग्लोबली ये फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है इस वक्त, तो इंडिया में भी हमें अलर्ट होना चाहिए और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना आवश्यक है। सर मास्क वॉलंटरी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बचाएं तो आप मास्क पहने, एस्पेशली जब भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं। बेटर है कि आप अपना प्रिकॉशनरी डोज लें, क्योंकि ये डेफिनेटली डिजीज को मॉडरेट करता है और डेथ्स होने नहीं देता है, इसलिए प्रिकॉशनरी डोज लेना आवश्यक है, इसको बढ़ाया जाए। इस प्रकार से हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर हमने आज एम्फोसाइज किया है। पांचवा जो चीज़ है वो है इन एंटिसिपेशन, अगर एक वेव आती है तो हिमाचल प्रदेश में हमारी क्या तैयारी होगी। तो मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे कोविड के लिए तैयारी पूरी है, हमारे वार्ड्स तैयार हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं आएगी, साथ में हमने वेंटिलेटर्स को तैयार कर दिया, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, मैन पावर तैयार है, ट्रेंड है। तो बेसिकली हम अपने आप को फिर से दोबारा से विजिलेंट कर रहे हैं ताकि हम तैयार रहें कोई भी किसी भी प्रकार के कुपरिस्थिति को हैंडल करने के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, अपनाएं। सेकंड, आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं की है तो अवश्य वैक्सीनेशन करें, और तीसरा कि अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको लगता है आपको कि वो अपने आप को खांसी जुकाम ही कह रहा है लेकिन हो सकता है कि कोविड हो, उस व्यक्ति से भी आग्रह करें कि जाए और अपना टेस्टिंग कराए और खुद भी वॉलंटरली अपने आप को लेके जाएं हॉस्पिटल्स में
और इंसिस्ट करें कि आप आरटीपीसीआर आपका टेस्ट हो, ताकि कंक्लूसिवली पता चले कि आपके कोविड है कि नहीं है। इस तरीके से हम इस कोविड को फैलने से रोक पाएंगे और वी विल प्रिवेंट ये जो फोर्थ वेव ना हो, इसकी ओर हम अग्रसर होंगे। यही हमें प्रदेश की सरकार की ओर से जो तैयारी चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी देना था। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।